अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे कि ऐसे कोई वाकया हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मीडिया रियासत का चौथा सुतून होता है। जमहूरी ममालिक में इजहार राय की आज़ादी बुनियादी इंसानी हकूक में शामिल है। पाकिस्तान एक जमहूरी मुल्क है जहां उसूली और दस्तूरी तौर पर सहाफत को आज़ाद होना चाहिए, जो बज़ाहिर है भी। यहां 100 के करीब नाज़रीन न्यूज़ और करंट अफेयर के प्रोग्राम हैं। साथ साथ आप ये भी देख सकते हैं कि 200 के करीब जो है रेडियो नेटवर्क्स और हज़ारों अखबार हैं, मगर हकीकत इसके बरक्स है। बदकिस्मती से यहाँ मीडिया पर कदगन मामूल का हिस्सा बन चुका है। अगर हम बात करें तमाम तर इश्यूज़ के हवाले से जो इस वक्त हमें मौजूदा हुकूमत में नज़र आ रही है, जो तब्दीली आने के बाद हमें लगा था कि अब जुल्म की तारीख रात जो है वो ख़त्म हो जाएगी और एक नया सवेरा तुलू होगा, मगर बदकिस्मती से नए पाकिस्तान में हमें ऐसा कुछ नज़र नहीं आ रहा है। अब अमूमी इजहार राय ये है कि कोई भी सेंसरशिप ले लें आप, या अगर कोई आप सहावत के जरिए सच सामने लाना चाह रहे हैं तो वो भी आप नहीं कर सकते। हकायक से पर्दा उठाने में भी आपको बहुत मुश्किलात का सामना है। सूरत हाल ये है कि कोड़े खाकर हमने जेलें जाकर जो कमाई गई आज़ादी सहाफत है उसको अब एक बार फिर हमें कैद होती हुई दिखाई दे रही है। मीडिया हाउसेस पर पहले भी बहुत सारे मुश्किल सामने आते रहे, लेकिन इस वक्त जो मसाइल हैं वो ये हैं कि हालात जो मीशत का जवाल तो नज़र आ रहा है और तरक्की की नशोनुमा भी रुक गई है, लेकिन इसका अमल दखल हमें यह नजर आ रहा है कि जो अब मीडिया हाउसेस में जो वर्कर्स हैं उनको निकाला जा रहा है, सीनियर सहाफी को निकाला जा रहा है, उस पर सवालिया निशानात उठ जाते हैं। बात की थी हमने मुल्की हालात के हवाले से, पहले ही खराब है, मीडिया हाउसेस की तरफ से सियासी बहरान पैदा किया जा रहा है, ये कहना है वजीर इत्तला फवाद चौधरी साहब का, और उन्होंने तो ये भी कहा है कि अब जो है वो जो न्यूज चैनल्स हैं उनको कम किया जाए, फ्लोरिश करने की ज़रूरत है। साथ साथ अब इंटरटेनमेंट साइट पर या फिर आप बच्चों के चैनल्स पर या फिर स्पोर्ट्स चैनल्स को जो है फ़रोग देने की ज़रूरत है। उनका कहना यह है कि मीडिया हाउसेज में जो न्यूज़ चैनल्स हैं वो सियासी बहरान पैदा कर रहे हैं, इन पर भी बात करेंगे। साथ साथ बात करेंगे इस वक्त जो ज़राया अब्लाग में हमें सोशल मीडिया का नेटवर्क बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और बेहतरीन टोल की सूरत में नज़र आता है, जिस पर एक खबर जो है वो लम्हों में पूरे पाकिस्तान में फैल जाती है। ऐसे ही एक वाकया जो कि जिस पर हम जितनी भी उसकी मजम्मत करें बहुत कम है, वफाकी दारुल हुकूमत से एक SP का पहले अगवा हो जाता है और उसके बाद उनकी लाश अफगानिस्तान से मिलना, उसकी पूरे सोशल मीडिया पर वायरल होना, उनकी शहादत की और मस्क शुदा लाश की जो है वो नज़र आना, उस पर हमें वज़ीर मुमलिकत बराए दाखला शहरयार आफरीदी की जानिब से ये कहना कि जो ये फेक खबरें हैं, रोट्रेट हो रही हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है, गैर जिम्मेदाराना बयान सवालिया निशान है, इस पर भी बात करेंगे। और जो हमारे रियासत के जो अभी अहम सुतून है सहाफत, आज़ादी सहाफत पर जो कदगन लग रहा है उस पर भी बात करेंगे। मेरे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद है फहीम सिद्दीकी, सीनियर सहाफ़ी हैं, KUJ के प्रेसिडेंट भी हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं, बहुत शुक्रिया आपका। टेलीफोन लाइन पर हमें ज्वाइन करेंगे PFUJ के सदर अफजल भट्ट, साथ साथ हम कुछ सीनियर सहाफ़ी को भी लेने की कोशिश करेंगे। सेंसरशिप के मामले पर कुछ ऐसे सहाफ़ी हैं जिनको या तो निकाला गया है या वो कुछ मुश्किल की वजह से खुद ही चैनल्स छोड़कर चले गए हैं, वजूहत क्या हैं, इन तमाम उमूर पर हम नज़र डालेंगे। फहीम, सबसे पहले तो मैं आपसे आगाज़ कर लेती हूँ, ये फरमाइएगा कि हम अगर बात करते हैं कि हम खबरों के दौर में जी रहे हैं, ज़राए इब्लाग जो है वो जमहूरी मुआशरों की नशोनुमा में बहुत अहम किरदार भी अदा करता है, माजी में भी हमने देखा डिक्टेटरशिप में भी बंद कर दिए जाते थे चैनल, ज़राए इब्लाग पर कदकन लगा दी जाती थी, लेकिन जमहूरी हुकूमतों में भी वजह क्या रही? देखिए, ये जो मीडिया है ना, ये कभी किसी को अच्छा नहीं लगता, और हमारा ये तजर्बा है और हमने यही देखा है इस मुल्क में भी कि सियासतदान जब तक अपोजिशन में होते हैं उस वक्त तक तो उन्हें ये मीडिया अपनी ज़रूरत महसूस होता है, उसके ज़रिए वो अपनी आवाज़ बुलंद करते हैं, लेकिन जैसे ही इक्तदार में आते हैं ना, ये मीडिया बुरा लगने लग जाता है, ये सहाफ़ी बुरे लगने लग जाते हैं, ये मीडिया हाउसेज जो हैं उन्हें खुलने लगते हैं, और ये इस मुल्क की बदकिस्मती के साथ एक तारीख है। 1978 से हम ये देखते आ रहे हैं, हमारे सीनियर्स ने जो 1978 में ज़िया दौर में उसके मार्शल्ला के ख़िलाफ़ जो तहरीक चलाई, जो कराची प्रेस क्लब से चली, उसमें हमारे साथियों ने जेलें भी काटी, उसमें हमारे दोस्त बुज़ुर्गों ने, हमारे रहनुमाओं ने जो है उसमें कोड़े भी खाए, उस वक्त जो हमने किया उसके नतीजे में मुल्क में एक तहरीक जो है वो कामयाबी से हमकिनार हुई। फिर हम मुशर्रफ का दौर देखते हैं, मुशर्रफ के दौर में कहा यह जाता है कि इस मुल्क में जो आज़ाद मीडिया है वो एक आमिर के दौर में आया या एक
फौज के फौजी जनरल के दौर में आया, लेकिन जनाब जब वो आ गया उस वक्त तो आपको ये था कि आपने जैसे बड़ा काम कर लिया है और आपने बड़ा कौम के साथ बड़ा एक अच्छा काम कर लिया है, लेकिन कुछ दिन के बाद आपको वो वही मीडिया जो खलने लग गया जिसे आप आज़ाद मीडिया कहकर लाए थे, आपने पहले उसको जो एडवाइसेस देना शुरू किया और जब वो नहीं माना तो आपने एक वक्त ऐसा आया कि आपने वो बंद कर दिया। फिर तहरीक चली, मुशर्रफ दौर में पाकिस्तान की तारीख में पहली मर्तबा 140 सहाफ़ी एक साथ जो कराची प्रेस क्लब के बाहर से गिरफ्तार हुए, ये है सिचुएशन। फिर हम देखते हैं वक्तन फोक्तन, चाहे वो नवाज शरीफ का दौर हो, चाहे वो पीपल्स पार्टी का दौर हो, चाहे वो अब ये मौजूदा दौर हो, हमने हर दौर में यही देखा है कि हुक्मरानों को हम बहुत बुरे लग रहे होते उस वक्त लग रहे होते जब वो इख्तदार में आ जाते हैं, उससे पहले हम उनकी आँख के तारे होते हैं, असम्बलियों में हमारे लिए बात की जा रही होती है अपोजिशन बेंचेस की तरफ से, लेकिन हुकूमती बेंचेस की जानिब से जब हुकूमत में आ जाते हैं तो कहा जाता है कि नहीं ये तो गलत कर रहे हैं, नहीं ये तो नहीं होना चाहिए। आज तक हम वेज बोर्ड अवार्ड को तरस रहे हैं, 2000 में जो है आखिरी वेज बोर्ड आया था जिसे सातवां वेज बोर्ड कहते हैं, 8वें वेज बोर्ड के लिए हम आज तक जो इंतज़ार कर रहे हैं। वो इदारे जहां वेज बोर्ड दिया जाता है वहां पर एक चपड़ासी की तनख्वाह जो है ना उसके, यानी आज के अगर मैं अपने किसी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के किसी हाउस की बात करूं तो वहाँ पर जो एक चपड़ासी की तनख्वाह है वो वहाँ पर जो है किसी सब एडिटर या एक सीनियर आदमी की तनख्वाह के बराबर है। तो ये सिचुएशन है और इसका किसी को एहसास नहीं है। हम आज़ादी सहाफत की बातें करते हुए नहीं थकते, लेकिन बात ये होती है कि जब उसको अपने तौर पर करने की आपकी तरफ आपकी बॉल जो है कोर्ट में आपकी बॉल आ जाती है तो उस वक्त आप कहते हैं कि नहीं भाई ये तो हम इस तरह नहीं इस तरह चलेंगे। हमने पिछले दौर में भी एक तहरीक चलाई 8वें वेज बोर्ड के लिए, हमसे बड़े वादे भी किए गए, एक नोटिफिकेशन जारी भी कर दिया गया और उसके बाद आप देख लें आज तक हम उसका इंतजार कर रहे हैं कि कोई बोर्ड जो है कोई अवार्ड जो है वो कॉन्स्टिट्यूट होगा। तो ये है बेसिकली सिचुएशन। अच्छा, जमहूरी ममालिक की तरह पाकिस्तान में भी जो हम देखते हैं कि अपने आईन के मुताबिक आप खबरों तक जो रसाई है उसको एक हक भी समझा जाता है और उसको एक टोल के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता है, मगर अफसोस के साथ ये कह सकते हैं फहीम, मैं और आप सहाफत का बहुत तवील अरसा हमने गुजारा, एक साथ हम फील्ड पे भी रहे, आपने तो मतलब लाइक इतनी बड़ी कुर्बानी दी है इस सहाफत के लिए कि हम उसको जितनी भी उसके खराज तहसीन पेश करें कम है, मगर आज अफसोस के साथ मैं और आप जिस जगह पर खड़े हैं, ये वजह क्या है? ये डिक्टेटरशिप हो या जमहूरी हुकूमतें हो, ये अपने मुफाद के लिए भी सहाफत को इस्तेमाल कर रही हैं। देखिए सहाफी का काम बेसिकली क्या है, हम होते क्या हैं, हम एक आईना होते हैं जिसमें आपको अपना चेहरा नज़र आता है, वो चेहरा जब आपको बुरा लगने लगता है तो आप उस आईने को तोड़ने की कोशिश करते हैं, जबकि होना क्या चाहिए, आईने को नहीं तोड़ा जाता चेहरा जब बुरा लगे तो अपना चेहरा ठीक किया जाता है। मसला हमारे यहाँ उल्टा है, हमारे यहाँ सिर्फ सोच का मसला है। हम ये कहते हैं कि जनाब सहाफ़ी जो है उसको आज़ादी सहाफत अगर मिल गई, जिसकी हम बात करते हैं कि वो किसी हद तक है भी पाकिस्तान में नाम नेहाद, मैं से नाम नहीं आदि यूं कहूंगा कि हमें हर दौर में एडवाइसेस का सामना रहा है, हर दौर में हमें इस तरह की चीज़ों का सामना रहा है कि फला प्रोग्राम बंद कर दो, फला कंटेंट तब्दील कर दो। ये 1978 में भी यही सिचुएशन थी कि अखबार जो हैं वो एक बाकायदा प्रोसेस से होके गुजरते थे और बाज़ औक़ात तो आखिरी वक्त में ये होता था कि उस अखबार में से खबर निकाल दी जाती थी, जब अखबार आवाम के सामने जाता था तो वो जगह खाली होती थी छपे अखबार में, तो पता चल जाता था कि यहाँ से खबर जो है वो निकाली गई है। और यही सिचुएशन जो है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में भी हम देखते आ रहे हैं, फला एंकर को बदल दो, फला का चेहरा हमें पसंद नहीं है, फला का हमें कॉन्टेंट पसंद नहीं है, ये खबर जानी चाहिए ये खबर नहीं जानी चाहिए, ये जो एक मसला है ना ये हमेशा से है। और वही बात जो मैंने पहले कही कि हमारे चेहरे उन्हें उस वक्त अच्छे नहीं लगते जब इख्तदार में आ जाते हैं, हाँ जब हम वो अपोजिशन में होते हैं तो हमारे जरिए सारी बातें करने की कोशिश करो। देखिए इस मुल्क का मसला क्या है कि साल 2000 से लेकर आज हम 2018 में बात कर रहे हैं, 100 से 200 के करीब हमारे जर्नलिस्ट साथी जो हैं इस मुल्क में शहीद किए जा चुके हैं। पाकिस्तान एक वक्त में इराक के बाद सबसे ज्यादा खतरनाक मुल्क था सहाफियों के लिए और दुनिया भर में इसके ऊपर आवाज उठती थी कि यार पाकिस्तान में आखिर हो क्या रहा है, लेकिन हमारे यहाँ इसके ऊपर कोई तवज्जो ही नहीं थी। हमने अपनी लाशें उठाई हैं इस मुल्क में अपने साथियों की, हादसात में जो सानहात होते रहे, जो जिन्हें हम कहते हैं कि ब्लास्ट हो गया कोई बड़ी बात हो गई, हमने उसमें अपने साथियों की लाशें उठाई हैं, लेकिन सिचुएशन क्या है कि हम ही जो है आज भी बुरे हैं। ठीक है, अफजल भट्ट हमें ज्वाइन कर चुके हैं PFUJ के सदर भी, बहुत शुक्रिया अफजल भट्ट साहब। भट्ट साहब ये फरमा दीजिएगा कि हम जिस दौर में रह रहे हैं वहाँ पर ज़राए अबलाग एक बहुत मजबूत टोल के तौर पर माना जाता है, मगर साथ साथ अफसोस की भी बात है कि ज़राए अबलाग की इंतहाई तरक्की में जहाँ कुछ हमारे मीडिया हाउसेस जो कि जिन्हें हम कहें कि नौमौलूद थे उन्होंने कुछ बुरा किरदार अदा किया, तो हमारी डिक्टेटरशिप और हमारी जमहूरी हुकूमतों ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी, आज भी आज़ादी सहाफत पर कदगन लगाया जा रहा है। बिल्कुल, मैं समझता हूँ कि ये आपका बड़ा रेलिवेंट क्वेश्चन है।
और अगर हम जायजा लें सूरत हाल का और पाकिस्तान में माजी में जो सिविल और मार्शल लॉ हुकूमतों में हमारे साथ होता रहा, अगर उसका जायजा लें तो हमें आज पाकिस्तान का मीडिया सबसे जो है वो बड़े क्राइसिस में नजर आता है। आज दो तरह का क्राइसिस है, एक तो जाहिर है कि अनअनाउंस सेंसरशिप चल रही है कि बहुत से तरीकों से आपको खबर देने से रोका जाता है और वो स्टेट नहीं नॉन स्टेट एक्टर भी बहुत ज्यादा एक्टिव है पूरे पाकिस्तान में। लेकिन अब जो मुआशी बहरान है ये माजी में कभी ऐसा बहरान नहीं आया, क्योंकि आपको पता होगा कि एक बड़े मीडिया हाउस ने अपना टीवी चैनल बंद कर दिया है, फिर आपके इलम में ये बात भी आई होगी कि पाकिस्तान के तमाम अखबारात ने अपने चार पेज कम कर दिए हैं और अभी पाकिस्तान के बड़े टीवी चैनल्स ने अपने अपने इदारों में तनख्वाहों में कटौती कर दिया, यानी महंगाई बढ़ रही है। और एक तरफ तो ये था कि छांटियां की जाएं, उन्होंने ये अपनी तरफ से बड़ी नेकी की है उन मालकान ने कि चलो जी हम निकालते नहीं है लेकिन आपकी तनख्वाहें कम कर देते हैं। और अफसोसनाक बात यह है कि जिन लोगों की जिम्मेदारी ये है कि उन्होंने पाकिस्तान के तमाम सिस्टम को चलाना है, उस पर नजर रखनी है, उनकी नजर में ये क्राइसिस नहीं है। यानी पाकिस्तान में जो आजादी सहाफत को खतरात थे पूरी दुनिया उससे आगाह है, पूरी दुनिया की तंजीमें ये फैसला दे चुकी है, बारहा इस पर लिख चुकी है कि पाकिस्तान दुनिया के उन 10 खतरनाक तरीन ममालक में शामिल है जहां जर्नलिज्म करना बहुत मुश्किल है। लेकिन पाकिस्तान की किसी भी हुकूमत में, मैं सिर्फ इस हुकूमत को मूर्द इल्जाम नहीं ठहरा रहा, ये और ये कोई अभी कोई आलमी इदारों ने पाकिस्तान के मतलब जो जर्नलिज्म आजादी की सहाफत को खतरा है उसके हवाले से बात को अभी नहीं की, ये 10-12 साल से कर रहे हैं। ये जनरल परवेज मुशर्रफ के दौर में शुरू हुई, यही बात आसिफ अली जरदारी साहब के दौर में होती रही जो पीपल्स पार्टी का दौर था, यही बात मियां नवाज शरीफ साहब के दौर में होती रही जो मुस्लिम लीग नून का दौर था, और वही बात आज चल रही है। न माजी ने में किसी ने इसको नोट किया, न आज की हुकूमत जो है वो इसका को हल। तो बट साहब ये तो नाम नेहाद आजादी हो गई ना सहाफत की, हर दौरे हुकूमत में चाहे वो डिक्टेटरशिप हो या वो जमहूरी हुकूमत हो, सबने अपने अपने मुफाद के लिए इस्तेमाल किया मीडिया को। मीडिया की बहरहाल अपनी भी बहुत सारी गलतियां जिन पर हम बाद में बात करेंगे, लेकिन इस वक्त जो अहम चीज नजर आती है वो ये नजर आती है चूंकि एक जमहूरी जो हुकूमत होती है, जमहूरी मुआशरा होता है, उसको पनपने में आजाद सहाफत का बहुत अहम किरदार होता है। इस तरह तो फिर आप नहीं कर सकते, क्या चल सकता है इस तरह जमहूरी मुआशरा हमारा? देखिए मेरा ख्याल ये है कि आज इंफॉर्मेशन मिनिस्टर ने जो अनाउंस किया है कि हम अखबारात और टीवी चैनल के जो बकाया जात है वो अदा कर रहे हैं, मेरा अपना ख्याल ये है कि अब बैरूनी जितनी इमदाद देने वाले इदारे हैं, मैं खलीजी ममालिक की बात और चाइना की बात नहीं करता क्योंकि वहां तो खुद प्रेस फ्रीडम नहीं है, जी जी बिल्कुल, मैं यूरोपियन यूनियन की बात करता हूं, मैं IMF की बात करता हूं, मेरा ख्याल है कि वो अपनी कर्ज दें या इमदाद दें वो प्रेस फ्रीडम की शर्त इसमें जरूर रखेंगे, क्योंकि वो मुल्क ये समझते हैं कि जिन ममालिक में प्रेस फ्रीडम ना हो वहां बजट ठीक तरीके से सर्व नहीं हो सकता, क्योंकि मीडिया वॉच डॉग होता है जिसने हुकूमत पर नजर रखनी होती है, अगर मीडिया पर पाबंदी होगी तो उनके उन्होंने जो कर्ज दिया है उसके ऊपर नजर कौन रखेगा। तो इसलिए मेरा अपना ख्याल यह है कि अब बैरूनी दबाव भी जो है वह हुकूमत पाकिस्तान पर आएगा और फिर शायद, क्योंकि हमारी हुकूमतें जो है वो इंटरनल वैसे अफजल भट्ट आपको भी पता होगा कि ये अक्वामे मुत्तहिदा में भी कुछ बाजगश सुनाई दी गई जो मौजूदा मीडिया हालात हमारे पाकिस्तान में इस वक्त। बिल्कुल, जो कराची प्रेस क्लब की बेहुर्मती की गई, जो जो तारीख का एक बदतरीन और स्यातरीन वाक्या हुआ कि वहाँ रेड किया गया, वहाँ तलाशी ली गई कमरों की। मैं जरा मैं फहीम को भी जरा शामिल गुफ्तगू कर लेती हूँ। फहीम ये बताइए कि इस वक्त हम बहुत हवालों से देख रहे हैं मामलात बहुत खराब हो रहे हैं, अब इस वक्त जो बड़े एंकर्स हैं जो कि हुकूमत पॉलिसी के खिलाफ बात करते हैं
उनको या तो वो छोड़ के चले गए सेंसरशिप के मामले पर, या फिर उनको निकाल दिया गया। चले वो तो कहीं ना कहीं अकोमोडेट हो जाएंगे, बड़े नाम है, उनके साथ जो पूरी टीम होती है जिनका घर चलता है, उनके लिए उनको कहाँ अकोमोडेट किया जाएगा? देखिए ये चीज़ें जो हैं काफ़ी अर्से से चल रही थी, इस गवर्नमेंट में ही नहीं, पिछली गवर्नमेंट में भी हमने ये देखा था कि मुख्तलिफ वक्तों में जो एक अनअनाउंस सेंसरशिप की जो बात होती थी वो अमूमन आती थी, और जो मीडिया हाउसेस थे जो इसके ऊपर जो है किसी हद तक जो है रेजिस्ट कर सकते थे, या जो एंकर इस पोजीशन में थे कि वो इसके ऊपर रेजिस्ट कर सकते थे, उन्होंने रेजिस्ट किया भी है। लेकिन सिचुएशन जाहिर है हम ये देख रहे हैं कि पीटीआई की हुकूमत के आने के बाद वो रेजिस्टेंस जो है वो काफ़ी हद तक जो है वो कम हुई है, और अब सिचुएशन ये है कि पीटीआई की गवर्नमेंट ने आने के बाद जिस तरह के इकदाम सहाफत के हवाले से किए हैं, मीडिया हाउसेस के हवाले से किए हैं, उसमें हमें मुसलसल ये चीज़ नज़र आ रही है कि पीटीआई गवर्नमेंट ये चाहती है कि पाकिस्तान में न्यूज़ चैनल्स की तादाद जो है वो कम हो जाए, पाकिस्तान के अवाम जो है वो न्यूज़ की तरफ जाने की बजाय वो इंटरटेनमेंट और स्पोर्ट्स की तरफ जाए। ये हेल्दी एक्टिविटीज़ होनी चाहिए, हेल्दी एंटरटेनमेंट होनी चाहिए। दुनिया भर में होता है, दुनिया भर में होता है कि लोग जो है वो एंटरटेनमेंट को ज़्यादा देखते हैं, न्यूज़ जो है वो दूसरे तीसरे नंबर पर आता है, लेकिन आपके यहाँ न्यूज़ है तो लोग देखते हैं ना, एक बात। दूसरी बात कि आप कहते हैं कि आप स्पोर्ट्स चैनल्स को फरोग देना चाहते हैं, पाकिस्तान में एक स्पोर्ट्स चैनल प्राइवेट तौर पे आया था, निजी शोबे में आया था, वो बंद हो गया, आप क्या नहीं है स्पोर्ट जिसको आप दिखाएं? तो ये बातें करना और बगैर सोचे समझे बातें करना, आप एक तरफ ये कहते हो कि जनाब आप जो है एंटरटेनमेंट को फरोग देना चाहते हैं, एंटरटेनमेंट चैनल लाना चाहते हैं, दूसरी तरफ आप कहते हैं कि जो गैर मुल्की मवाद है वो ना दिखाओ, स्पोर्ट्स चैनल की आप बात करते हैं, स्पोर्ट्स को फरोग देने की बात नहीं करते। पाकिस्तान में क्रिकेट नाम की कोई चीज़ आप ला नहीं सके इतने सालों से, आप कहते हो पाकिस्तान में स्पोर्ट्स चैनल को फरोग दोगे, तो कहाँ जाएगी इंडस्ट्री? इस इंडस्ट्री का जो ये बहरान है, ये बहरान पैदा किया गया है, और ये पैदा सिर्फ मालिकान की वजह से नहीं हुआ है, ये मैं समझता हूँ इस सियासतदानों के ये हुकूमती जो कमजोरियाँ उनकी वजह से पैदा किया गया। ये बात किसी हद तक ठीक भी है कि जनाब पाकिस्तान में जो न्यूज़ चैनल्स हैं वो बहुत ज़्यादा हाइप पे चले गए थे, उनकी रेटिंग जो है वो किसी भी दूसरे मुल्क में इंटरटेनमेंट चैनल की जो रेटिंग होती है उसके बराबर आ गई थी। गलती वहाँ पर हुई है कि जब ये सुतून बना, इसको जब चौथा सुतून हम समझ रहे थे और जब इसमें ताकत आने लगी थी और पैसा आने लगा था, तो सहाफत के जो क्राइटेरिया होते हैं उस क्राइटेरिया को सरफे नजर करके आपने एक बिजनेस बना लिया। जब बिजनेस बना लिया गया तो फिर चैनल्स की जो क्वालिटी है वो कम हो गई। फिर अब आपको ख्याल आ रहा है कि जी सियासी बहरान, मुआशी बहरान और हमारे बिगाड़ मुआशरे में पैदा हो रहा है, ये उस वक्त आप रोक लेते ना जब कोई, सॉरी टू से, जिनके पास बहुत पैसे आ जाते हैं, कोई मैं अब उनका नाम नहीं लेना चाहती, नाराज हो जाएंगे वो मालकान, उनके पास जब चार पैसे आ जाते हैं वो चैनल खोल लेते हैं और कोई क्राइटेरिया नहीं होता साफ। देखिए इशाजिया बात यह है कि जो आप बात कर रही हैं बेसिकली सिचुएशन ही वही थी, मुख्तलिफ वक्तों में जो चैनल लाइसेंस दिए गए मुख्तलिफ लोगों को, उसमें ये नहीं देखा गया कि जिसको आप चैनल लाइसेंस दे रहे हैं उसका माजी क्या है, क्या उसने कभी इस शोबे में काम किया है नहीं किया है, और यही सबसे बड़ी वजह है इस सारी इंडस्ट्री के ख़राब होने की कि जब प्रोफेशनल लोग नहीं आए तो इंडस्ट्री जो है वो बिगड़ती चली गई। लोग जो है जिसने अब मालिकान ने, मुझे ये कहने दीजिए कि मालिकान ने इन मीडिया हाउसेस को अपने लिए टूल के तौर पर इस्तेमाल किया है, उन्होंने इनके जरिए अपने काम निकाले हैं, शेल्टर लिया है, छतर छाया के तौर पर इस्तेमाल किया है, और जब ये सिचुएशन हो तो फिर सहाफ़ी भी जो है वो सोचता है कि यार मैं कहाँ आ गया हूँ। तो आपने इसको मीडिया इंडस्ट्री को मीडिया इंडस्ट्री बनने नहीं दिया, हम कहते हैं इंडस्ट्री, लेकिन क्या ये मीडिया इंडस्ट्री है? किसी इंडस्ट्री के कवानीन होते हैं, वो किसी वजारत के मातहत होती है, उसके लिए पूरा एक स्ट्रक्चर होता है, लेकिन आज तक तो आपने वेज अवार्ड नहीं दिया। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में जो लोग काम करते हैं उनके लिए कोई सर्विस स्ट्रक्चर नहीं है, ये बात करते करते हमारे मुंह खुश्क हो गए, लेकिन कोई इसकी तरफ तवज्जो ही नहीं देता। कहते हैं आप मीडिया इंडस्ट्री है, आप इसे फरोग देने की बात करते हैं, लेकिन करते क्या है कि आप इंडस्ट्री वो इंटरटेनमेंट की तरफ जाते हैं, गैर मुल्की मवाद बंद कर देते हैं। ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, ब्रेक के बाद बात करेंगे मीडिया में जो ज़बू हाली का शिकार है उसके और भी सारी वजूहात हैं, और साथ साथ ये भी बात है, वही हमने बात की कि लोग या हुक्मरान अपने अपने मुफाद की खातिर मीडिया को एज अ टोल भी इस्तेमाल करते हैं, फिर दिले यजदा में जब कांटे की तरह ये चुभने लगते हैं तो फिर उनको साइड पे कर दिया जाता है। ब्रेक लेते हैं, हमारे साथ ही रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, बात करें आज़ादी सहाफत के हवाले से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के हवाले से, प्रिंट मीडिया के हवाले से, और इस वक्त जो जितने चैनल्स हैं मीडिया हाउसेज उसमें एक मुआशी बहरान की सी कैफियत है, ज़बू हाली का शिकार है, जिसकी वजह से जो वहाँ पे काम करने वाले लोग हैं, जिनके घर का जिनकी रोज़ी रोटी चलती है वो भी बंद पड़ी हुई है, चैनल्स में तीन तीन माह से तनख्वाहें नहीं मिल रही हैं, कटौतियां हो रही हैं, ये तमाम मसाइल पैदा हो रहे हैं नई हुकूमत नए पाकिस्तान के आने के बाद। अब वजूहात तो यही है, लाजमी सी बात है, जो मईशत में जवाल है वो तो है, तरक्की की नशोनुमा भी रुकी हुई है, लेकिन साथ साथ कुछ और भी मामलात हैं, और वो ये है कि आपकी हुकूमत मुखालिफ पॉलिसीज जो कि हर दौरे हुकूमत में रही, जिसमें हम एक किसी हुकूमत को मोर्द इल्ज़ाम नहीं ठहरा सकते,
हर दौरे हुकूमत में हमने देखा है कि वो अपने अपने मुफाद के लिए मीडिया को इस्तेमाल करते हैं और जब वही ऑपोजिशन में आते हैं तो मीडिया उनकी आंखों का तारा बन जाता है। फहीम, इस वक्त जो हालात पैदा हो रहे हैं, बड़े बड़े नाम हैं, जो मतलब मैं तो बात खुल के करूँगी, उनको चैनल्स पे जिस तरह उनको साइट पे किया गया, सेंसरशिप के हवाले से किया गया, उनकी हुकूमत मुखालिफ पॉलिसीज नज़र यही आ रहा है। लेकिन ये भी एक तरह से सही बात है कि अब आप 7 बजे से लेकर रात 12 बजे तक अगर आप हुकूमत के बखिये ही उधेड़ने लगे, वो भी गलत है। आते साथ ही हम हुकूमत को तनकीद का निशाना भी बनाते हैं क्योंकि उन्होंने हाइप भी इतनी क्रिएट की है। पिछले दौरे हुकूमत में नून लीग में हम जब इमरान खान साहब को उनके जलसे में दिखाते थे, वो कब बैठ रहे हैं, कब खड़े हो रहे हैं, कब वॉक कर रहे हैं, कब आ रहे हैं, कब जा रहे हैं, कब सो रहे हैं, तब तो मीडिया आग का तारा था। लेकिन आज हम उसी हुकूमत पर बात कर रहे हैं कि अब उस पर कदम लगाने की बात की जा रही है, तो हमें क्या अपने गिरबान में भी झांकने की जरूरत है? देखिए, मीडिया हाउसेस जो हैं, जैसे मैंने पहले कहा कि जब नॉन प्रोफेशनल मालिकान होंगे तो वो अपनी जो भी उनकी ख्वाहिशात होती हैं और जिनकी वजह से वो मुख्तलिफ किस्म की मराहत हासिल करने की कोशिश करते हैं तो कुछ एडवाइसेस वहाँ से भी आती हैं। एडवाइसेस सिर्फ कहीं और से नहीं आती, जैसे मैं कह रहा था, तो एडवाइसेस वहाँ से भी आ रही होती हैं, यार फलां को फरोग दे दो, फलां को ज़रा ज़्यादा कवरेज दे दो। ये आम सी बात है उन चैनल्स में या उन मीडिया हाउसेज में जिनके मालिकान जो हैं वो नॉन प्रोफेशनल हैं, और उसकी वजह से जो ना आम आदमी में भी और सियासतदानों में भी ये चीज़ डेवलप हुई कि हमें फला शख्स जो है ना वो सूट करता है और फला शख्स हमें सूट नहीं करता। जब ये सूट वाली बात आ गई तो उसके बाद आपके लिए ये इंपॉर्टेंट हो गया था कि आप जब हुकूमत में आ जाएंगे तो आप फिर यही करेंगे कि अगर फला शख्स अच्छा नहीं लगता तो किसी भी तरह से किसी भी चैनल पर नज़र नहीं आना चाहिए, और अगर वो कहीं नज़र आ रहा है तो वो हमारी मर्जी की बात करेगा, हमारी मर्जी का प्रोग्राम करेगा, तो वो वहाँ चल सकता है, अदरवाइज़ नहीं चल सकता। और आप देख रहे हैं कि इस वक्त जो है मुख्तलिफ मीडिया हाउसेज से मुख्तलिफ लोग छोड़ छोड़ के जा भी रहे हैं, और इसमें अगर मैं ये कहूँ कि बाज़ मीडिया मालिकान का कसूर नहीं है तो ये गलत भी नहीं हुआ, क्योंकि उनके ऊपर जो प्रेशर है वो प्रेशर भी बहुत ही एक्सट्रीम का प्रेशर है। वो एक्सट्रीम का प्रेशर वो किसी एक शख्स के लिए बर्दाश्त करें या वो अपनी पूरी जो मीडिया हाउस है उसके तमाम लोगों के लिए बर्दाश्त करें, ये बेसिकली फ़र्क है। कुछ लोगों ने जो मीडिया हाउस छोड़े हैं तो उन्होंने मीडिया मालिकान की रजामंदी से उनकी एक मुशावरत के बाद छोड़े, ठीक है हम छोड़ देते हैं, आप ये प्रेशर बर्दाश्त नहीं कर पा रहे, पहले के चैनल बंद हो और बाकी लोग जो है घरों को जाए, चले हम जो है ये कुर्बानी दे देते हैं, तो ये वाली सिचुएशन है। लेकिन पीटीआई की गवर्नमेंट इसको समझने के लिए तैयार नहीं है। हमें ये नजर आता है फवाद चौधरी साहब ने जो कल स्टेटमेंट दिया है उसमें उन्होंने कहा कि पूरा जो है मीडिया हाउसेस को जो है अपने आप को जो है रिस्ट्रक्चर करें वो करें। आप रिस्ट्रक्चर करने की बात करते हैं, आपने आज तक इसे इंडस्ट्री तो बनने नहीं दिया, आप आज तक जो है इसमें कोई सर्विस स्ट्रक्चर तो ला नहीं सके। आज तक आपने जब भी किसी को चैनल लाइसेंस देते हैं तो उसके बाद आप कोई उसके साथ ये मुआहदा नहीं कर लेते कि आप उसे बाकायदा कोई सरकारी इश्तिहार देंगे, जिसे अखबार का डिक्लेरेशन देते हैं उसको कोई सरकारी इश्तिहार देंगे। आपने सरकारी इश्तिहारों के जो पैसे रोके हुए थे सालों से वो आपने देने के ऊपर कोई बात नहीं, उन्होंने बात की कि कुछ बकाया जाता, अगर हुकूमत दे भी दे तो क्या वो इतने हैं पूरे मीडिया हाउसेस के कि उनकी मदद से जो है मीडिया हाउसेस चल सके? सरकारी इश्तिहार के पैसे देना अलग बात है, सरकारी इश्तिहार रोकना अलग बात है। इस मुल्क में रियल एस्टेट का बिजनेस आपकी वजह से इस वक्त देख लें कि तबाह है, लोग रियल एस्टेट का एक बड़ी सेक्टर तबाह है इस वक्त। नहीं, रियल एस्टेट की बात मैं इसलिए भी कर रहा हूँ कि रियल एस्टेट से आने वाला जो इश्तिहार होता था, जो कमर्शियल होता था, वो टीवी की या अखबार के लिए बड़ा बहुत इंपॉर्टेंट समझा जाता था, वो आपके यहाँ नहीं है। आपके यहाँ सरकारी इश्तिहार नहीं है, मीडिया हाउसेस के मालिकान जो है वो फिर इस बात को सोचने में मजबूर हो जाते हैं कि देख कोई भी मीडिया हाउस का मालिक हो वो ये सोच के नहीं आया था जब उसने चैनल या अखबार निकाला था कि वो सोसाइटी को बदल देगा, वो यहाँ पे सब अच्छाइयां कर देगा। वो बिजनेसमैन है, वो बिजनेस सोच के साथ आता है, वो कहता है यार मुझे अगर नहीं मिल रहा तो मैं यार स्विच कर लेता हूँ, मैं कहीं और चला जाता हूँ। और ये नजर भी आ रहा है इस वक्त हमें, हम ये भी देख रहे हैं कि बाज़ मीडिया हाउसेस के मालिकान ने अपने लिए कुछ और प्रोफेशन चूज कर लिए हैं। हमें नजर आ रहा है कि कुछ लोग जो वो एयरलाइन के लाइसेंसेज लेके खड़े हुए, कुछ लोग कुछ और काम करने की तरफ जा रहे हैं। इसका मतलब ये कि वो फ्यूचर नहीं देख रहे इस इंडस्ट्री में, और उसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि आपने इसे इंडस्ट्री बनने नहीं दिया। अगर मैं ये कहूं और मुझे कि अगले कुछ दिनों में सूरत हाल और ज़्यादा ख़राब हो सकती है तो ये गलत नहीं होगा। आपने ये पाकिस्तान में जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की जो इस वक्त सिचुएशन है, एक बबल की तरह थी, आप इसे बिल्कुल फुलाते चले गए, अब अचानक ये बबल जो फट सा गया, और इस वक्त सिचुएशन ये है कि लोग अपनी जो तनख्वाहें हैं उनकी कमी के ऊपर तैयार हो गए। क्या ठीक है, नौकरी तो लगी रहेगी, यह हुआ है इसमें मुख्तलिफ इदारों में, क्या ठीक है नौकरी तो लगी रहेगी, लेकिन क्या ये सही है? ये आईन और कानून की खिलाफ वर्जी है। आप किसी भी एम्प्लाई से उसकी मर्जी के बगैर उसकी तनख्वाह में कटौती नहीं कर सकते। बहुत शुक्रिया रहीमुल्ला यूसुफ जी साहब। सर, ये मीडिया हाउसेस पर पहले सेंसरशिप फिर सेल्फ सेंसरशिप, ये मामलात शुरू से चले आ रहे हैं अब तक, और हम बात करते हैं कि आजादी सहाफत है। सर,
जी बिल्कुल, तो ये मामला तो अभी उठाए जा रहे हैं और जाहिर है ये हो रहा है पाकिस्तान में। देखें, मीडिया को आप जितना इस तरह उसके ऊपर कदगन लगाएंगे, पाबंदियां लगाएंगे, तो फिर अफवाहें फैलेंगी। मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर अगर आप कोई खबर रोक लेंगे, सोशल मीडिया के ऊपर आ जाएगी, वहां पे कोई रोक टोक नहीं है, तो उससे तो मजीद नुकसान होगा। तो मेरे ख्याल में ये जो भी मामलात हैं इसके ऊपर तो जो नुमाइंदे हैं मीडिया के, चाहे वो मालिकान हैं, चाहे एडिटर्स हैं, चाहे आमिल सहाफी हैं, उनसे बात होनी चाहिए। ये जो मामला है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का, सहाफत की आज़ादी का, ये जमहूरियत से बिल्कुल जुड़ा हुआ है। जमहूरियत तब मजबूत होगी जब मीडिया आज़ाद होगा, जब इश्यूज के ऊपर बात होगी। और अगर आप पाबंदियां लगाएंगे तो मेरे ख्याल में तो जमहूरियत को नुकसान होगा। रहीम साहब, आपने बड़ी अच्छी बात की कि सोशल मीडिया जो है वो, अगर आप यहाँ खबर दबाएंगे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे या प्रिंट मीडिया पे, वो सोशल मीडिया पे वायरल हो जाएगा। ऐसे ही हमने देखा कि जो ताहिर दावर साहब है, शहीद हो गए और बड़ा, मतलब उनका काम था, उन्होंने दहशतगर्दों के खिलाफ बड़ा काम किया था, लेकिन जब वो वायरल हुई है उनकी शहादत की जो मस्तशुदा लाश थी, उस पर आप समझते हैं वजीर मुमलिकत बराए दाखिला का इस तरह का स्टेटमेंट देना कि जी ये तो रूमर्स हैं, ये फेक खबरें हैं, ये रोटेट की जा रही हैं, बजाय बगैर तस्दीक के इस तरह की बात कर देना, और वजीर इत्तला फवाद चौधरी साहब का अब ये बात करना कि फ्लोरिश नहीं होने दिया जाएगा न्यूज चैनल्स को, हमारे पास बजट नहीं है तो हम कैसे पैसे दें इश्तिहार के मद में, ये तमाम चीजें स्ट्रेटजी क्या है? ये पीटीआई वही पीटीआई है जो बात करती थी पुलिस के बेहतरी के लिए, ये बात करती थी मीडिया हाउसेज और सहाफत की बेहतरी के लिए, ये वही पीटीआई हुकूमत है? देखिए, पीटीआई तो वही है, लेकिन पीटीआई उस वक्त ऑपोजिशन में थी। ऑपोजिशन में तो आप कुछ भी कह लें, कोई आपको रोकने वाला नहीं है, आपने सिर्फ इल्जाम लगाना है जो हुकूमत है, जो हुक्मरान लोग हैं। अभी ये हुकूमत में आ गए हैं, ये इनके लिए एक नया तजुर्बा है। खासतौर पर जो वजीर आजम है वो बिल्कुल पहली बार इस तरह अहदे पे आए हैं, कुछ इनके वजरा भी नए हैं, कुछ तो इनके वजरा पुराने भी हैं जो पिछली हुकूमतों में रह चुके हैं, तो जाहिर है उनके तजुर्बे से इस्तेफादा करना चाहिए। लेकिन हम देख रहे हैं कि हुकूमत जो है, खासतौर पे इस मामले में अगर देखें ताहिर दावर के वाकये में, यानी आप देखें कि 26 अक्टूबर को ये इस्लामाबाद से अगवा हुए और 14 नवंबर को, 18 दिन के बाद इनके बारे में अफगान हुकूमत ने कहा कि इनकी लाश अफगानिस्तान में मिली है। अब ये 18 दिन जो हैं, इसमें क्या तफ्तीश हुई, क्या इनको अंदाजा हुआ, उसके बारे में कोई इत्तला नहीं है। यानी आपने कौम को, आपकी बात इंटरप्ट कर रही हूँ, आज शहरयार साहब ने सेनेट में ये बात की, ये सेफ सिटी के जो जितने कैमरे थे वो खराब थे, वो ट्रेस नहीं कर सके, इनको तो लेकर जाया गया था, ताहिर दावर को पैदल दहशतगर्द लेके गए थे, अभी तक जो उन्होंने बताई ये बात। देखिए, जाहिर है वो तो एक इसका पहलू है ना कि इस्लामाबाद का जो सेफ सिटी प्रोजेक्ट का मंसूबा है वो मुकम्मल तौर पर नाकाम हो गया। वहां पे कैमरे ही काम नहीं कर रहे, वहां पे कोई फुटेज अवेलेबल नहीं है कि इनको अगवा किया गया या ले जाया गया। लेकिन फिर रास्ते में चेक पॉइंट्स हैं तो उनका क्या हाल है? ये तो एक बहुत ही एक मेरे ख्याल में बड़ा एक तजुर्बा है, एक तल्ख तजुर्बा है कि आपके चेक पॉइंट्स के ऊपर कहाँ तक हम एतमाद कर सकते हैं कि इससे तो बहुत सारे सवालात खड़े हो गए हैं। एक तो सोचने वाली बात ये है कि दहशत गर्दों का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो एक तरह से फिर ऑर्गेनाइज हो चुका है, उनकी नेटवर्किंग इतनी अच्छी है कि वो इस्लामाबाद से लेकर चले जाते हैं उन्हें, और इतने अरसे बाद उनकी मस्तशुदा लाश की तस्वीर भी वायरल कर दी जाती है। हमारे तो बॉर्डर भी फेंस है अफगानिस्तान के साथ, बहुत सारे मामलात हैं, इसमें तो हम दुनिया को कुछ और बता रहे हैं और हकीकत कुछ और है। लेकिन देखें, ये पहली बार नहीं हो रहा, ये अली हैदर गिलानी को, यूसुफ रजा गिलानी साहब के बेटे को मुल्तान से अगवा किया गया था और अफगानिस्तान पहुंचा दिया गया था, और शाहबाद तासीर जो के गवर्नर पंजाब सलमान तासीर के बेटे थे, उनको लाहौर से अगवा किया गया था, पहले कबायली इलाके और फिर अफगानिस्तान पहुंचा दिया गया था। ये पहले भी हो चुका है। हम ये कह सकते हैं कि उस वक्त दहशतगर्दी अपने उरूज के ऊपर थी, इस तरह के वाकयात आम थे,
अभी हम दावा करते हैं कि हालात बेहतर हो गए हैं, तो इसलिए काफी हमें हैरानी होती है, गुस्सा भी आता है कि इस तरह के वाकयात अब भी हो रहे हैं। तो मेरे ख्याल में काफी सवालात ने जन्म लिया है इस वाकये के हवाले से, और फिर अफगानिस्तान की हुकूमत का बड़ा ही गैर दोस्ताना, गैर सफारती, गैर अखलाकी रवैया कि आप लाश अपने पास रखी हुई है, पाकिस्तान के हवाले नहीं कर रहे, फिर आप अपनी मर्जी करते हैं कि जी लाश जो है वो टायर दौड़ के कबीले के हवाले करेंगे या पश्तून तहफ्फुज़ मूवमेंट के हवाले करेंगे, पाकिस्तानी हुकूमत के हवाले नहीं करेंगे। ये एक अजीब मंतक है, ये दो मुल्कों का मामला है, और पाकिस्तान ने जब भी किसी मुल्ज़िम को, किसी बंदे को हवाले किया है तो वो अफगान हुकाम के हवाले किया है, अफगानिस्तान किसी कबीले का नाम नहीं लिया। बिल्कुल, तो ये अफगानिस्तान का जो रवैया है वो ऐसा है कि वो पाकिस्तान में नए मसाइल खड़े करने वाली बात है, इससे भी पाकिस्तान को होशियार रहना पड़ेगा। नहीं बोला यूसुफ साहब, मुझे यहाँ पे ब्रेक लेना है आपसे, मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि आप ब्रेक के बाइंड कीजिए। नाज़रीन ब्रेक लेते हैं, फिर गुफ्तगू के सिलसिले को यहीं से बढ़ाएंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, आज़ादी सहाफत पर कदगन लगाने के हवाले से बात की जा रही है। नई हुकूमत है, नई हिकमत अमली है, मगर हर जगह पर मुश्किलात का सामना है। इस वक्त जो शहीद SP ताहिर दावड़ हैं उनके हवाले से भी PTI हुकूमत को कहा जाए कि एक चैलेंज है उनके लिए, तो गलत ना होगा। सर आप मेरे साथ हैं मौजूद, रहीमुल्लाह यूसुफ जई साहब? बिल्कुल हाँ। अच्छा सर, एक चीज मुझे बता दीजिएगा, एक तरफ तो हमारा एक इशू चल रहा है, FATF के मामलात भी हैं, ग्रे लिस्ट में हम हैं, अब ये जो नई हुकूमत है इसके बहुत सारी इसकी हिकमत अमली जो है वो समझ में नहीं आ रही है। कहा यही जा रहा है नई क्यादत है, ना तजुर्बेकार है, लेकिन आप समझते हैं कि ये इस मामले को लेकर जो है वो सही हैंडल किया गया है? इमरान खान साहब चूंकि वजीर दाखिला भी हैं, इंटीरियर मिनिस्ट्री के मामलात भी उनके साथ हैं, उनको खुद आके इस पे ब्रीफ करना चाहिए था। देखिए ये जो टायर दौड़ का वाकया हुआ, मैंने पहले भी कहा कि लोगों के जहन में कई सवालात हैं, क्योंकि हुकूमत की तरफ से खामोशी रही, कोई जिम्मेदाराना बयान नहीं आया तहकीकात के बारे में, कौम को या उनके खानदान को एतमाद में नहीं लिया गया, तो उससे फिर अफवाहें फैली और लोगों ने अपने अंदाजे लगाने शुरू कर दिए, जो कि जाहिर है बहुत नुकसानदेह था। मेरे ख्याल में हुकूमत ने बहुत देर कर दी है, अभी आज कहीं जाकर वजीर आजम ने फौरी इंक्वायरी का हुक्म दिया है। अब ये फौरी का जो लफ्ज है इस वक्त इस्तेमाल करना 18 दिन के बाद जब से वो अगवा हुए हैं, तो ये अजीब लगता है। तो मेरे ख्याल में हुकूमत को इस तरह के मामलात में बड़ा हसास मोहतात तरीका, ये खुद कह रहे हैं कि ये हसास मामला है, तो हसास मामले में तो और भी आपको ज्यादा कोशिश करनी है और इसको सुलझाना है। अभी आप देखें सोशल मीडिया के ऊपर जब ताहिर दौड़ की लाश को दिखाया गया, जख्मी बहुत ही ज्यादा लगता है कि उनको टॉर्चर किया गया, तो वो सब ने देखा, उनके खानदान के लोगों ने, उनके बच्चों ने देखा, तो ये भी एक हमारे यहाँ अजीब रिवायत बन गई है कि हर चीज सोशल मीडिया के ऊपर आ जाती है। कम से कम मेन स्ट्रीम मीडिया इस तरह नहीं करता, लेकिन मेन स्ट्रीम मीडिया पीछे है और सोशल मीडिया आगे है, और वहीं पे खबर जो है पहले निकलती है और फिर उसके ऊपर लोग तबसरे करते हैं अजीबो गरीब। तो ये बहुत ही मेरे ख्याल में एक तकलीफ दिल सूरत हाल है, एक तो हुकूमती इदारों की नाकामी, और फिर ये है कि जो हमारे सियासी लोग हैं तो उनकी ना तजुर्बाकारी समझ लें या जो भी है। मेरे ख्याल में ये जो दो वाकयात हुए, मौलाना समीउल्लाह का जो वाकया हुआ और फिर तारा दवड़ का वाकया हुआ, और जिस तरीके से बेरहमी से उनको कत्ल किया गया, तो ये बहुत ही सवालिया निशान। लेकिन आपको नहीं लगता ये मौजूदा हुकूमत के लिए मजीद मुश्किलात हो सकती है, क्योंकि दावड़ एक बहरहाल कबीला है, हमने नकीबुल्ला महसूद में देखा था, प्रेस क्लब के सामने जो है वो पश्तून तहफ्फुज़ मूवमेंट उसी वक्त शुरू हुई। अब ये इस मामले को अगर हुकूमत ने सेटल डाउन नहीं किया, क्योंकि हाई प्रोफाइल केस मौलाना समीउल्लाह साहब का भी मौजूद है, तो मुश्किलात और पेश आएंगी। जाहिर है इससे मुश्किलात पैदा हुई हैं, और अभी तक
दोनों वाकयात के बारे में कोई सही तरीके से तहकीकात सामने नहीं आई। मुलाज समीउल्लाह के वाकये के बारे में पंजाब पुलिस कहती है कि ये कत्ल है, ये दहशत गर्दी का वाकया नहीं है, लेकिन उनका खानदान जो है वो कहता है कि ये दहशत गर्दी है और इसमें अफगानिस्तान और इंडिया का हाथ है। तो जाहिर है उनको मुतमैन करना पड़ेगा, जो उनके खानदान के लोग हैं, जो उनके पार्टी के लोग हैं। और फिर तायर देवड़ का आपने कहा कि पूरा एक कबीला है जिनको जवाब चाहिए। पीटीएम वाले उन्होंने एहतजाज का ऐलान किया था और वो समझते हैं कि वो कबायली इलाकों के लोगों की नुमाइंदगी करते हैं, तो उनका हक बनता है कि इस वाक्य को उठाएं। ये सारे नए नए चैलेंज हुकूमत के सामने आ रहे हैं और जाहिर है हुकूमत को चाहिए कि वो इन सारे इश्यूज के बारे में अवाम को एतमाद में ले। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया रहीमुल्लाह यूसुफ़ज़ई साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे। फ़हीम, ओवरऑल बात की थी क्योंकि सोशल मीडिया पे पहले ये खबर आई थी, उसके बाद जो है तरदीद होती है वज़ीर मुमलिकत बराए दाखला की। अब आप ये देखिए कि हमारी इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट, इस वक्त हमारा इंटीरियर मिनिस्टर इमरान खान साहब हैं, उन्होंने अपने पास रखा है, लेकिन उनको रिप्रेजेंट कर रहे हैं शायद शहरयार आफरीदी साहब। इस तरह के बयान देख देना, क्या आप सियासी बहरान सिर्फ मीडिया और न्यूज़ चैनल्स पैदा कर रहे हैं? ये तो आप खुद सियासी बहरान को जन्म दे रहे हैं। देखें, जब 55 रुपए किलोमीटर में हेलीकॉप्टर का बयान आया था, वो भी इन्हीं की तरफ से आया था। मैं ज़्यादा बात नहीं करूंगा, और भी ऐसे दर्जनों बयान थे जो इनके एक सूबाई वजीर हैं, जो पंजाब के सूबाई वजीर इत्तलात भी हैं चौहान साहब, उनके बयान भी आप देख लीजिए, वो किस तरह के गर्जे मैदान बयान देते रहे हैं। वज़ीर मुमलिकत जनाब शहरयार आफरीदी साहब ने जो आज जिस तरह से स्पीच की है वो भी आप देख लें, और जो कल उन्होंने स्टेटमेंट दिया था इस पे सोशल मीडिया पे, तार दावड़ की जो फुटेज वगैरह आई थी उसके ऊपर, तो इनकी अभी शायद खुद समझ में नहीं आ रहा है कि अब हुकूमत में है। ये अभी तक खुद को अपोजिशन नहीं समझ रहे हैं। कैसे नहीं, ये अभी तक खुद को अपोजिशन में ही समझ रहे हैं। इनकी बॉडी लैंग्वेज, इनके बयानात, वो सब इस तरह से हैं कि जिस तरह से ये अपोजिशन किसी अपोजिशन लीडर के होते हैं। तो इनको समझना होगा कि भाई आप अब पूरा मुल्क आपके पास है, अब सिर्फ और सिर्फ सुबह जो था हमारा खैबर पख्तूनख्वा, सिर्फ आपने वो नहीं चलाना, अब आपने पूरा मुल्क चलाना है। वो जब पूरे मुल्क की जिम्मेदारी आपके पास हो ना, तो फिर मुल्क इस तरह नहीं चलाए जाते कि आप 15 मिनट के कौम से आके बयान वो दे दें, इस कौम से खिताब कर लें, और उस खिताब में भी आप ऐसी बातें बोल जाएँ कि जो गैर ज़रूरी हों, और उसके बाद जो है वो मीडिया को ये एडवाइसेज आना शुरू हो जाएं कि वज़ीर आज़म के स्टेटमेंट्स में से ये निकाल दीजिएगा। तो जब ये वाली सिचुएशन हो, तो हमें अभी तक तो यही नज़र आ रहा है कि कोई बहुत ज़्यादा अच्छी सिचुएशन नहीं है पीटीआई की। पीटीआई किस तरह से ये मुल्क चलाएगी, हमें अब समझ में नहीं आता कि किस तरह से होगी। आपको सऊदी अरब ने खाशगी जी के वाक़े के बाद जो है कुछ माली इमदाद कर दी है, आप चाइना गए हैं सीपैक के मुआहिदों के ऊपर। मरियम नवाज के मीडिया सेल पर तनकीद करते रहे पीटीआई हुकूमत, बिल्कुल। अब आपका मीडिया सेल क्या कर रहा है? आपका मीडिया सेल ये कर रहा है कि जो हुकूमत मुखालिफ बयान दे रहा है, पहले से उसको कह रहे हैं कि आप उसके पीछे लग जाते हैं, और किस किस तरह की मतलब गैर अखलाकी बातें सामने आती हैं। अच्छा, मुझे ये बताइए, अभी हमने देखा था पार्लियामेंट के बाहर पकौड़े लगाए गए, और उसमें बिलावल साहब भी है, ऑपोजिशन जमातों ने देखे वो अपने आप को कैश कराया, उन्होंने उनका काम ही है, लेकिन यही जब हुकूमत में आएंगे तो ये इनको खटकने लगेंगे। अभी ये जो हमारी तंजीमें हैं सहाफियों के लिए, वो क्या किरदार अदा कर रही हैं? क्या फवाद चौधरी साहब से ये जो बड़े बड़े हमारे फोरम है सहाफियों के मुख्तलिफ शहरों में, PFUJ और नेशनल प्रेस क्लब है, या कराची प्रेस क्लब है, या दीगर प्रेस क्लब है, वो जहाँ के सहाफियों की फलाह बहबूद के लिए फंडिंग के लिए क्या इकदाम ले रहे हैं? देखें, क्लब्स का अपना काम होता है, ये जो सहाफियों के हकूक की बात होती है ये UJS करती हैं, और कराची यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट जो पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट है उसके अम्ब्रेला के नीचे इस वक्त इसके ऊपर बहुत ही संजीदगी से हमने इसको वो लिया है, स्टेप्स लिए हैं। आज हमने अपना इजलास भी किया है, इसके अंदर हमने ये फैसला भी किया है, और ये सिर्फ हमारा इजलास नहीं था बल्कि इसमें जो है कराची में एक जॉइंट एक्शन कमेटी तश्कील दी गई है, कराची प्रेस क्लब भी इसमें शामिल है, इसमें जो हमारे दीगर UJS हैं उनके लोग भी शामिल हैं, और हम मुश्तरका तौर पर ये समझते हैं हमें ये करना होगा कि हम इस मामले को इतनी आसानी से नहीं लें कि बस ठीक है यार हो रहा है तो होता रहे, नहीं। अगर इस वक्त मीडिया हाउसेस ये जबरी बरतरफियों का अमल नहीं रुकता तो सूरत हाल बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएगी। हमारे बहुत से साथी ऑलरेडी सड़कों पर आ चुके हैं, हमें इस वक्त अभी फुल स्टॉप लगाना होगा। ये फुल स्टॉप उसी सूरत में मुमकिन है जब हम इत्तेहाद का मुजाहरा करें। तो मैं शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ये कहूँगा कि इस वक्त तमाम सहाफती तंजीमें एक प्लेटफॉर्म पर हैं, और हम एक जॉइंट एक्शन कमेटी के तहत जो अपनी चीज़ों को लेकर चल रहे हैं। हम ये समझते हैं कि ये जो भी हुकूमत पर दबाव है कि वो बरतरफियाँ करें मीडिया हाउसेज, ये जबरी बरतरफियाँ जो की जा रही हैं ये हुकूमती दबाव पर की जा रही हैं। जब हुकूमती दबाव पर कोई चीज़
चीजें की जा रही हो, तो फिर हमारा टारगेट सिर्फ और सिर्फ मीडिया हाउसेज है, उनके मालिकान नहीं होंगे, हमारा टारगेट जो है वो ये गवर्नमेंट भी होगी। देखें जो इस वक्त सिचुएशन है वो ये है कि मीडिया हाउसेस के मालिकान ये भूल गए हैं कि यही क्लब्स, यही यूजर्स, उनके जब मसाइल पैदा होते हैं तो हमें वो याद करते हैं, हम उनके लिए आवाज़ उठाते हैं, लेकिन जब हम आवाज़ उठाते हैं उनके मसले हल हो जाते हैं, वो मराठ ले लेते हैं, गवर्नमेंट से अपने मामलात को सेटल कर लेते हैं और हम वहीं के वहीं खड़े रह जाते हैं। और आज अगर ये मीडिया मालिकान ने हमारा साथ नहीं दिया और गवर्नमेंट के कहने पर इस तरह से जबरी बरतरफियाँ करते रहे, तो क्या हम उनको जो है वो माजी उनका याद दिलाने के ऊपर मजबूर नहीं होंगे? यही कराची प्रेस क्लब है जहाँ हमने जो है वो एहतसाबुर रहमान ने जब इनके खिलाफ कार्रवाइयाँ की थी तो हमने प्रेस क्लब का प्लेटफॉर्म दिया था जहाँ के जो आपने अपनी बात की थी, यही प्रेस क्लब था जब हमने जो है यहाँ से तहरीक शुरू की थी जब मुशर्रफ दौर में आपके चैनल्स बंद हो गए थे, यही प्रेस क्लब था जब आपने जो है आपके चैनल के ऊपर प्रॉब्लम्स हुई थी चैनल्स के ऊपर, तो हमने यहाँ से जो है मुस्तकिल कैंप्स लगाए थे। यही चीज़ें हैं जिनके ऊपर हम इन मीडिया मालकान से कहते हैं कि आप हमें अकेला ना छोड़ें, हम आपको नहीं छोड़ेंगे, ये जंग मुश्तरका है, आइए मिलकर लड़ते हैं। हमारी ये उनको हमने कहा है, एपीएनएस को भी कहा है, हमने सीपीएनई को भी कहा है, हमने पीबीए को भी कहा है कि आइए मिलकर इस मसले के ऊपर चलते हैं और अगर इत्तेहाद होगा तो यकीनन हम जो है अपने मामला जो है उनको हल करने में कामयाब हो जाएंगे, हम अपने हकूक हासिल करने में कामयाब हो जाएंगे। लेकिन मुझे नहीं लगता कि मीडिया हाउसेज के मालिकान जो है वो इस वक्त इस मामले पर संजीदा है। जिस वक्त ये तहरीक चल रही थी उसी दिन ये तमाम लोग जो है वो जाके कभी कहीं मिलते रहे और कभी कहीं मिलते रहे, कभी आप फवाद चौधरी से मिलते रहे, कभी आप वजीर आजम से मिलते रहे, कभी आप कहीं और जाके मिलते रहे, और हम जो है वो पार्लियामेंट हाउस के बाहर जो है वो एहतजाज करते रहे, पूरे मुल्क में एहतजाज चलते रहे यूजीएस के मुख्तलिफ शहरों में, और आप जो है आपने उसको नोटिस ही नहीं किया। तो मैं कहना ये चाहता हूं कि मीडिया हाउसेस के मालिकान को ये समझना होगा। साफी हजरात जो मिले थे वजीर आजम इमरान खान साहब से, सुना ये जा रहा था कि ये उनके मंजूर नजरी थे जिनको बुलाया जाता है, जो उनके खिलाफ थे, हमेशा यही होता है, हमेशा यही होता है। इमरान खान साहब कराची आए तो उन्होंने यही किया, मंजूर नजर अफराद को गवर्नर हाउस बुलाया गया, उनसे मुलाकातें हो गई, वो इस्लामाबाद में मिलते हैं तो भी वही जो एक कहा जाता है कि भाई लाइक माइंडेड, देखिए लाइक माइंडेड क्या होता है, सहाफी लाइक माइंडेड नहीं होता, उसका काम किसी तंजीम के साथ किसी के साथ एप्लेशन रखना नहीं होता, उसका काम सिर्फ ये है कि वो खबर को खबर की हद तक ले और आगे पहुंचा दे, अवाम तक पहुंचा दे। लाइक माइंडेड का वर्ड इस्तेमाल करके आप हमारे दरमियान भी मुख्तलिफ किस्म के लोगों को पैदा कर रहे हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया फहीम सिद्दीकी आपका। नाज़रीन जाते जाते बस इतना ही कहूंगी कि एक उम्मीद थी कि तब्दीली आने के बाद हमें लग रहा था कि जुल्म जबर की जो ये तारीख बादल है ये छट जाएंगे और बहरहाल हर जगह पर एक हमें बेहतरी की सूरत नजर आएगी, लेकिन इस वक्त तो सूरत हाल ये है कि यही मीडिया जो पीटीआई को जब वो अपोजिशन में थे उस वक्त इतनी कवरेज देता था और आज यही मीडिया जो है वो आपकी आंखों में खटक रहा है। लेकिन जाते जाते सिर्फ इतना ये भी कहना चाहूंगी कि आज़ाद जमहूरियत उसी वक्त पनप सकती है जब आप आज़ादी सहाफत को फरोग देंगे। शाजिया खान को प्रोग्राम से इजाजत दीजिए, अल्लाह ने के पान।